हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम एक्स मनी। अगर आप लोग मेरे चैनल टाइम एक्स मनी पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे काफ़ी सारे स्टॉक्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अच्छे पैसे बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट करके। स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं, अगर आप पेशेंस के साथ काम कीजिएगा तो क्यों नहीं बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। आज उसी तरह आज एक ऐसे स्टॉक एनालिसिस करने जा रहे हैं जो काफ़ी फॉल देखने को हम लोग को मिला है इस मार्केट में, लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी है। इस कंपनी का नाम है एस्ट्रल पाइप्स। तो ये चार्ट हमने डेली बेसिस पे ओपन कर लिया। देखिए, मार्केट में ऐसा सिस्टम है कि कब क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है। 14 जनवरी को आप लोग देख सकते हैं 2550 का इसने हाई बनाया था, और मुश्किल से 4 महीने हुए हैं कि स्टॉक गिर गया। कहाँ से कहाँ गिर गया, 2400 से लेके 1700। 700 का फॉल आना बहुत बड़ी बात हो जाती है स्टॉक में। इसलिए आप लोग हमेशा मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, पेशेंस के साथ काम कीजिए। अब देखिए, इस स्टॉक में एक सपोर्ट बन रहा था यहाँ पे 2150 के आसपास में, लेकिन जैसे ही स्टॉक ने इसको तोड़ा, जैसे ही स्टॉक इसने तोड़ा तो ऑलमोस्ट हम लोगों को मतलब 400 रुपये का डाउनफॉल देखने को मिल गया। तो बहुत फॉल देखने को हम लोगों को ऑलमोस्ट मिली है इस स्टॉक में, एस्ट्रल प्राइस में। अब कई सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो बहुत समय से स्टॉक की सपोर्ट जोन पे काम कर रहा था और ये सोच के रखे होंगे कि ये लेवल टूटेगा नहीं 2100 का, लेकिन स्टॉक ने ये लेवल को तोड़ ही दिया आखिर। और तोड़ने के बाद एक 400 का और मूवमेंट हम लोग को डाउनसाइड का डाउनफॉल देखने को मिल गया। अब जिस टाइप का मार्केट का सिनेरियो है अभी, वर्ल्ड में सिनेरियो चल रहा है अभी, तो आखिर क्या अभी बन करके आ रहा है कि क्या आप लोग अभी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं कि नहीं। देखिए, सबसे पहले बता दें कि अगर किसी ने यहाँ पे हायर लेवल पे लेकर रख लिया है तो आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी हायर लेवल पे रख के रख लिया है। अब आप लोग उसको छोड़ दीजिए, पेशेंस रखिए और यहाँ पे एवरेज आप कर सकते हैं। 100% पैसा मत लगा दीजिएगा एवरेजिंग करने के चक्कर में ही। एवरेजिंग के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि कुछ और स्टॉक आपका छूट जाए, तो ये भी आपको मैनेज करना है आपको खुद से। आपका क्या मेंटेलिटी है, आपके पास क्या पैसा है, ये आपको खुद मैनेजमेंट करना है। लेकिन आप लोग एवरेज यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो वो लोग कहाँ लेंगे। तो देखिए, डेली बेसिस पे तो चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा तो बन करके नहीं आ रहा है, तो वही आपको वीकली बेसिस पे भी दिखा है। तो वीकली बेसिस पे थोड़ा सा एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है हमको कि हो सकता है कि एक सपोर्ट लेवल से यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले 1670-80 से। लेकिन आप लोग अभी फ्रेश एंट्री लीजिए 30% क्वांटिटी के साथ। अगर आप लोग सोच रहे हैं 50,000 इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस स्टॉक में तो 30% लीजिए। अगर आप लोग 50,000 चाह रहे हैं तो अभी आप लोग ज़्यादा नहीं, इसी 30% इन्वेस्टमेंट कीजिए, डेट इज़ 15,000। तो 50,000 अगर आप लोग लगाना चाह रहे हैं और 30% अगर लगाइएगा, 15,000 रुपये अगर लगाना है आप लोग लगा सकते हैं इस स्टॉक में। 30% क्वांटिटी बाई कीजिए। क्यों बाई कीजिए 30% यहाँ पर, क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से फॉल दिखाता है तो आपके पास और सपोर्ट जोन है जहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट, चूंकि बैंक निफ्टी निफ्टी गिरा हुआ है, स्टॉक सारे इंडिसेज गिरे हुए हैं, वर्ल्ड के मार्केट गिरे हुए हैं, तो सारे स्टॉक्स में अच्छे अच्छे स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो एक बार आपको इसका फंडामेंटल्स हम दिखा देते हैं इस स्टॉक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्टॉक्स में फंडामेंटल्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फंडामेंटल्स को हम लोग देख लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या इसका फ्यूचर आ रहा है। देखिए, कंपनी का सबसे बेनिफिट यही है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और 5 साल से ऑलमोस्ट ये कंपनी 31.83 पे दे करके आ रही है CAGR पे। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसका 31.83 ऑलमोस्ट 32% है, तो अच्छा है कंपनी का। कंपनी का हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे सेल्स, तो सेल्स भी अच्छा है। थोड़ा सा पिछले क्वार्टर के हिसाब से सितंबर में देखा जाए और दिसंबर में तो डिफरेंस आया है, लेकिन अभी मार्च का भी इसमें अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि सेल्स में यहाँ पे ऑपरेटिंग परसेंटेज प्रॉफिट भी देखिए आप लोग, शेयर कैपिटल भी देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाते हैं। कंटिन्यू अभी तक कुछ चेंजेस प्रमोटर्स ने नहीं किया है पिछले 2 साल से। FIIs ने थोड़ा सा घटाया है, वही DIIs ने बढ़ाया है, पब्लिक ने भी बढ़ाया है। तो प्रमोटर्स को लग रहा है कंपनी अच्छी है, पब्लिक को भी लग रहा है कंपनी अच्छी है, इसलिए इन्होंने स्टेक बढ़ाया है। क्योंकि अभी मार्केट में फॉल देखने को मिला है तो FIIs ने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को हम लोग को मिल रहा है इस स्टॉक में। कंपनी पाइप बनाती है ये ऑल ओवर इंडिया में, कंपनी 1996 की है, ड्रेनेज सिस्टम पाइप बनाती है। और कंपनी का जो प्रोज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको हम दिखा दिए इस कंपनी में, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कि हर कोई चाहता है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे जो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी भी अगर ज़्यादा उधार रहेगा नहीं तो कंपनी अपना पैसा जितना लाएगी उधार चुकाने में कंपनी के ग्रोथ में लगा देगी। तो कंपनी ने अपना जो भी है, देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी का मतलब 100% नहीं, लेकिन
कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री का मतलब कंपनी ऑलमोस्ट 80% डेट फ्री है, 20% बचा हुआ है, इस टाइप का सीनरियो रहता है उसका। तो जो भी एनालिसिस करके हमने बताया कि इस स्टॉक में आप लोग 30% आप लोग बाई कर सकते हैं, 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 30% कीजिए, 15,000 लगा सकते हैं अभी। लेकिन अगर किसी को फ्रेश एंट्री 100% क्वांटिटी लेना है तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पर आप अपने अकॉर्डिंगली देख के लीजिएगा, क्योंकि अभी मार्केट का भी आप लोगों को देखने के चलना है, और क्योंकि अपॉर्चुनिटी छूते नहीं इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि 30% क्वांटिटी अभी आप बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल करता है स्टॉक, अगर मार्केट रिवर्सल दिखाता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड इसमें कर दिया है वो काफ़ी लोअर लेवल पे। लेकिन अगर यहाँ से अगर डाउनफॉल और देखने को हमको मिलता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि हम एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स तो कंपनी के ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ठाक है। लेकिन मार्केट है, पिछले साल कोविड के टाइम में क्या हुआ, मार्केट गिर गया पूरा। इफ अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स के एकदम आप लोगों को 70% 80% डिस्काउंट में मिल रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, आप लोगों ने बाई किया, पेशेंस रखा, फ्रेश एंट्री लिया, तो अभी क्या आप लोग एकदम राजा की तरह अच्छे पैसे बना के बैठे हुए हैं। तो यही पेशेंस की बात है कि इट्स ऑल अबाउट द पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट द मनी मैनेजमेंट, दैट हाउ डू यू मैनेज योर ओन मनी, मैनेज योर ओन पोर्टफोलियो। जो भी एनालिसिस करके हमने बताया है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। अभी तक वीडियो पसंद आई है वीडियो को जो लाइक कीजिएगा, तब तक जरूरी रही टाइम एक्सपेंस, क्योंकि समय ही पैसा बनाता है।